हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ ध्रुव कुमार सावलिया। आई कंप्लीटेड माय बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर फ्रॉम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनंद। आई सिक्योरेड ऑल इंडिया सेवंथ रैंक इन जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2022 एंड माय कैटेगरी रैंक इज फिफ्थ ईडब्ल्यूएस जनरल। सो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उसका सिलेबस पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किन किन पार्टों में वो डिवाइडेड सिलेबस है, वो सब हमको समझना पड़ेगा। पहले हम एक सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस पैटर्न क्या है और डिवीजन कौन कौन से हैं। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली 8 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जनरल हॉर्टिकल्चर पार्ट हो गया, फिर आपका फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइस क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स एंड लास्ट में जनरल एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक हमें प्रीफर करनी चाहिए और कैसे उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो सब हम चीज़ें अभी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल हॉर्टिकल्चर, अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हॉर्टिकल्चर में अच्छा है, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आपने समझ लिया है, तो आप जनरल हॉर्टिकल्चर में इतना फोकस मत कीजिए। आप फ्रूट साइंस से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना पावरफुल नहीं है, आपको स्टार्टिंग से सीखना है सब, तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह की बुक पढ़िए, और अच्छी बुक है, उसमें सभी आसान लैंग्वेज में सिखाया हुआ है। उसमें से भी सभी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना सभी चीज़ों पर, मेनली जो प्लानिंग है, लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड है, उसकी जो सिस्टम्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, उसकी जो प्लांट पॉपुलेशन काउंट करने का जो मेथड्स है कि कैसे स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ प्लांट आएंगे पर हेक्टर, ट्रायंगुलर में क्या कैसे काउंट किया जाता है, हेक्सागोनल में क्या है, उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि पिछले रिसेंट ईयर से उस पर भी उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2020 और 21 में भी क्वेश्चन उसमें से पूछा गया था। फिर बात करते हैं जनरल हॉर्टिकल्चर में आगे आपको जो टॉपिक करना है वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग की जो सिस्टम्स है, ओपन सेंटर है, सेंट्रल लीडर है, ऐसी जो सारी सिस्टम्स है, क्लाइंबर ग्रेपवाइन के लिए भी अलग अलग है, वो सभी पर आप फोकस कीजिए, कौन सी सिस्टम का कौन सा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, किसके क्रॉप के लिए सूटेबल है, उसका इकोनॉमिक रेशियो क्या है, वो सभी आप पर फोकस कीजिए, कौन सी सिस्टम कहाँ से डेवलप हुई है, क्योंकि कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर बात करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर की, जो जनरल हॉर्टिकल्चर में भी है। ग्रोथ रेगुलेटर जो है, ग्रोथ रिटार्डेंट है, उस पर आप अच्छे से फोकस कीजिए, सभी ग्रोथ रेगुलेटर को अच्छे से समझिए, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह वो काम करता है और क्या इफेक्ट देता है, कमर्शियल यूज़ क्या है उसका, वो सभी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जनरल हॉर्टिकल्चर पर ये तीन चीज़ें ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर आगे जो आपका बेसिक है, आगे दो तीन चैप्टर उस पर फोकस कीजिए। फिर जनरल हॉर्टिकल्चर में भी वेजिटेबल गार्डन्स के जो टाइप्स है उस पर भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए। जनरल हॉर्टिकल्चर में जो लास्ट में PHT है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, उस पर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो सब ऑलरेडी क्रॉप्स में कवर हो जाएगा, डिजीज है, पेस्ट है, वो सब कवर क्रॉप्स में हो जाएगा, फिर वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अभी इतना टॉपिक पर आप इनफ है। फिर हम बात करते हैं फ्रूट साइंस के लिए। फ्रूट साइंस के लिए जो सबसे अच्छी, पहले आप थियरी से स्टार्टिंग कीजिए। फ्रूट साइंस थियरी पढ़ने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बेसिकली 2 वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में फ्रूट और वेजिटेबल का अच्छे से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दिया है, तो आप फ्रूट के लिए पहले प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से पढ़िए। फिर साइमल्टेनियसली आप रेडी फ्रूट में एक और बुक आती है, रेडी रेकनर फॉर पोमोलॉजी, वो बुक को आप कवर कीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे से फ्रूट पूरे शॉर्ट में फ्रूट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सभी क्रॉप्स बहुत बढ़िया, ब्रीडिंग पोर्शन भी है, प्रोडक्शन आस्पेक्ट भी है, डिसऑर्डर है, रूट स्टॉक है, वो काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, उस पर फोकस कीजिए। और लास्ट में वही क्रॉप आप ग्लेस्टस में से पढ़िए। ये तीनों बुक आप फ्रूट क्रॉप में साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं वेजिटेबल साइंस में। तो वेजिटेबल साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल एंड ट्यूबर बाय थंबुराज सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आसान भाषा में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है और ब्रीडिंग पोर्शन भी अच्छा दिया हुआ है, वो बुक को आप अच्छे से कवर कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है, आप थंबुराज नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप डी सिंह को भी, वेजिटेबल्स बाय डी सिंह, उसका शॉर्ट वर्जन है, वो भी कवर कर सकते हैं। फिर ग्लेस्टस एंड इंस्टेंट वेजिटेबल पार्ट इज़ मस्ट।
अगर आप तंबूरात भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी है उसको कवर करके फिर ब्लास्टर्स और इंस्टेंट क्रॉप पढ़ सकते हैं। फिर आता है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग वाला पार्ट। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग बेसिकली टू पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ अ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड इज ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का वॉल्यूम 2 है, उसको आप अच्छे से कवर करिए। उसमें जो क्रॉप्स दिए उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज दी है वो आप अच्छे से पढ़िए। और फ्लोरिकल्चर में एक और बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अच्छी बुक है, आपको पढ़नी ही चाहिए, आपका रैंक भी अच्छा आ सकता है। फ्लोरिकल्चर बाई नीच जैसा की बुक है, वो आप अच्छे से कवर कीजिए। उसमें ब्रीडिंग एस्पेक्ट दिया है, जो फ्लोरिक फ्लावर क्रॉप्स में ट्रांसजेनिक वेराइटीज़ है उसका भी अच्छे से वो लोगों ने एक्सप्लेन किया है। लोन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या प्रैक्टिसेस है, वो भी अच्छे से की है। फिर अपना ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी है, वैल्यू एडिशन इन फ्लावर क्रॉप्स है, वो भी अच्छे से उसमें कवर किया। मिसलिनियस पॉइंट है, कौन सा फ्लावर, कौन सा स्टेट का कौन सा फ्लावर है, नेशनल फ्लावर कौन से कंट्री का कौन सा है, वो सब भी कई बार मैथ द फॉलोइंग में आ सकता है, वो भी अच्छे से कवर किया है। फिर दूसरा पार्ट आता है फ्लोरिकल्चर में लैंडस्केपिंग एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। लैंडस्केपिंग एंड ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर की नोट्स IRA की जो ई नोट्स है वो IRA टॉपर साइट से भी डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आता नहीं है, बट कई बार इस बार 2022 के पेपर में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ गया था जो मैथ द फॉलोइंग में था। तो आप अच्छे से पॉइंट्स को नोट आउट कीजिए और उसमें अंडरलाइन भी करते जाइए बुक्स को। फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है वो है आपका प्लांट टाइप, जैसे कि एनुअल है, ट्री है, श्रब है, क्लाइंबर है, कैक्टस है, सक्यूलेंट है, इंडोर प्लांट्स है, हर्बेसियस पेरेनियल है, ये सभी ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रीज है, क्लाइंबर्स है, एनुअल्स है, ये तीनों पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उस पर भी फोकस करना है, बट ये तीन को ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको प्लांट्स को सभी को, आपको ये नहीं कि पूरा बुक में दिया है और रट लेना है, आप पहले प्लांट्स बाहर घूमिए, आपका कैंपस यूनिवर्सिटी है वो तो उसमें घूमिए, उसमें से आप प्लांट नोट आउट करते जाए कि ये ट्री है, ये इसका ट्री है, उसका आप साइंटिफिक नेम याद रखे, उसकी फैमिली कौन सी है। फैमिली से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, बट इस बार फैमिली से भी वो लोग ने क्वेश्चन एक बना दिया था। फैमिली लिखिए, उसका फ्लावर कलर क्या है, उसका फ्लावरिंग सीजन कब फ्लावरिंग आता है, उसकी प्रोपोगेशन मेथड कैसे वो प्रोपोगेट होता है, वो सब आप अपना खुद ID कर करके यूनिवर्सिटी और कैंपस हो, आप कहीं भी बाहर जाओ प्लांट्स दिखे तो वो सब आप खूब अपना बनाइए। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट एक बार आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी ID बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, फिर आप ग्लेस्टस में जो प्लांट्स का लिस्ट दिया हुआ है पूरा, ग्लेस्टस का लिस्ट तो पढ़ना ही है, साथ में अपना लिस्ट भी खुद बनाना है कि ये प्लांट्स है, फिर ग्लेस्टस के लिस्ट के साथ उसको मैच करना है, फिर जो रह गया वो उसको उसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ग्लेस्टस के जो जो उसमें वो टॉपिक दिया है श्रब एनुअल ट्री वाला, वो अच्छे से एक बार कर लीजिए। ये नहीं कि पूरा प्लांट रट लिया, आप प्लांट के फोटोग्राफ देख के भी उसको अच्छे से समझ के कर सकते हैं। फिर बात आती है पोस्ट हार्वेस्ट एंड स्पाइस के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट एंड स्पाइस के लिए आपको IRA की जो ई नोट्स है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ी है। अगर ई नोट्स आपको नहीं पढ़नी है तो आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो वॉल्यूम 2 है उसमें प्लांटेशन एंड स्पाइसिस क्रॉप अच्छे से कवर की है, उसको आप पढ़िए। वो हो जाए फिर आप ग्लेस्टस में से वही टॉपिक को पॉइंट आउट पॉइंट्स उसके पढ़िए। फिर आता है मेडिसिनल एरोमेटिक्स क्रॉप। मेडिसिनल एरोमेटिक्स के लिए आपको कोई बुक ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, उसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं हार्डली, उसके लिए आपको ग्लेस्टस में जो मेडिसिनल एरोमेटिक का पोर्शन दिया है इतना इनफ है। आपको मेडिसिनल एरोमेटिक को साइमल्टेनियसली लेना पड़ेगा, हर रोज़ आप 15 मिनट एक क्रॉप को दीजिए आपके प्रिपरेशन में। आप 2 ईयर में अच्छे से सबकी सभी आपका क्रॉप्स कवर हो जाएंगे और आपका मेडिसिनल एरोमेटिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसमें से आता है एक क्वेश्चन है, बट वो अगर आपने सही कर लिया तो आपका रैंक भी अच्छा हो जाएगा। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ग्रिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बाय उदाल सिंह मीना। उसका जो MCQ पोर्शन है 500 तक शायद MCQ है उसमें, वो आप अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। और कई नए MCQ भी उसको मिलने देखने को मिलते हैं जो हमने कहीं पढ़ा नहीं होता, उसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार पहले ट्रेंड था कि एक आध क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट आता था, बट आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा। फिर आता है पोस्ट आर्ट्स में भी आप ग्लेस्टर और इंस्टेंट का जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें TSS वगैरह है, जो टेम्परेचर है, जो प्रिजर्वेशन की मेथड्स है, जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, वो सभी पर से क्वेश्चन आता है हर साल एक दो। फिर आता है आपका जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन। जनरल एग्रीकल्चर के लिए, जनरल एग्रीकल्चर में से जनरली 8 से 15 तक क्वेश्चन आते हैं, यह डिपेंड अपॉन पेपर सेटर। समटाइम 8 क्वेश्चन होते हैं, समटाइम 5 क्वेश्चन होते हैं, समटाइम 10 होते हैं, समटाइम अप टू 15
क्वेश्चन तक होते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप नीमराज सुद्धा की बुक पढ़े, कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर बाय नीमराज सुद्धा। अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरल एग्रीकल्चर में अच्छा नहीं है तो आप अरुण कात्यान का वॉल्यूम 1-2 है जनरल एग्रीकल्चर का न्यू लेटेस्ट वॉल्यूम, वही पढ़िए और बाद में नीमराज सुद्धा को पढ़िए। जनरल एग्रीकल्चर में भी ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना है, सभी जो उसके फैकल्टी वो सब पढ़ना है। अब ज़्यादातर फोकस एग्रोनॉमी है, सोइल साइंस है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एक्सटेंशन है, प्लांट ब्रीडिंग है, ये टॉपिक जो मैंने बताया ना इस पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मेजोरिटी तक क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं। एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी में क्रॉप्स दिए हैं, वो सभी क्रॉप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या व्हीट है, राइस है, ग्राम है, ग्राउंड नट है, मेज है, शुगर केन है, कॉटन है, इतने क्रॉप कवर कीजिए अच्छे से, उसकी आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को समझिए, उसकी वेरायटी पर ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है वो आप अच्छे से कीजिए। प्लांट पैथोलॉजी और प्लांट एंटोमोलॉजी से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप मेजर पेस्ट ओनली याद रखते हैं, जो इतने क्रॉप मैंने आगे बताया, उसकी मेजर पेस्ट और मेजर डिजीज और कोई वायरल डिजीज हो तो उसका वेक्टर और उसका साइंटिफिक नेम कैसा आपको याद रखना है, बस इतना ही करना है प्लांट पैथो एंटोमोलॉजी से। फिर हम बात करते हैं कि कैसे आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी तैयारी 4th सेमेस्टर से स्टार्ट की थी। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो थर्ड सेमेस्टर से भी कर सकते हो और 5th सेमेस्टर से भी कर सकते हो। नो दिक्कत, आपके ऊपर है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छा खासा है आपका तो फिर आप 4th सेमेस्टर से भी कर सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 2 ईयर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो तो आपका रैंक काफ़ी अच्छा तक आ सकता है। फिर हम बात करें कि थ्रू कौन से तो सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ों पर वो लोग ज़्यादा फोकस होगा। फ्रूट है तो आप रूट स्टॉक्स है, जो फ्रूट की स्पीशीज है, वैरायटीज है, क्रॉसिस है, वो सब पर ज़्यादा फोकस करें। रूट स्टॉक में भी जो नया है, पुराना रूट स्टॉक है जो बुक में दिया होता है, नया निकलता है, और नई जो वैरायटीज है, सभी क्रॉप्स में वैरायटीज, नई वैरायटीज पर भी फोकस ज़्यादा कीजिए। ऐसा नहीं कि सभी बुक में दी वही पढ़े, जो नई वैरायटीज आती है हर साल, IRI है, IHR है, IHBT पालमपुर है, वहाँ से नई वैरायटी निकलती है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। फ्रूट क्रॉप में भी नई वैरायटीज़ को आप लिस्ट आउट कीजिए। नई वैरायटीज़ आपको अगर देखनी हो तो आप IRI का एनुअल रिपोर्ट आता है और IHR का एनुअल रिपोर्ट आता है, और एनुअल रिपोर्ट सभी आप पढ़ के उसमें से वैरायटी नोट आउट कर सकते हो। हर साल एनुअल रिपोर्ट बाहर निकलता है तो उसमें से आप नोट आउट नई वैरायटी को कर सकते हो। फिर हम बात करें कि पेपर में हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो पेपर में अभी पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो गया पिछले 3 साल से। अभी स्टेटमेंट पेपर में देखो काफ़ी तरह के नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो 1 लीनियर आपका ओल्ड पैटर्न वाला हो गया, फिर स्टेटमेंट टाइप आता है, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप भी आता है, एसेशन रीजन भी आता है, मैथ द फॉलोइंग आता है। ज़्यादातर वो लोग मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन ज़्यादा होता है पेपर में एज कम्पेयर टू मल्टीपल स्टेटमेंट है, उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकते हो। बट आपको टाइम भी ध्यान में रखना है। अभी पहले ऐसा होता था कि वो एक ही पेयर मैच करो तो पूरा क्वेश्चन हो जाता था, बट 2022 में दो दो पेयर मैच करो, फिर कई बार तीन तीन मैच करो फिर भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाता था। इसलिए आपको टाइम बहुत ही ध्यान में रखना है, बिकॉज मल्टीपल स्टेटमेंट वाले उसमें टाइम का बहुत ही वैल्यू है। अगर आप सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे और फिर आंसर करने जाओगे तो आपका 2-3 मिनट आराम से निकल जाएगा उसमें से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि एक क्वेश्चन है, उसमें उसको ऐसा बोला है कि उसको क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स में अरेंज कीजिए, तो आपको सभी को नहीं पढ़ने की ज़रूरत। आप पहला स्टेप क्या है और लास्ट स्टेप क्या है वो अरेंज करके ऑप्शन देख के उसमें से आपको आंसर मिल सकता है। इसी टाइम मैनेजमेंट करके आप अपना पूरा पेपर लीजिए, वरना ये स्टेटमेंट पढ़ने में ही आपका पूरा टाइम चला जाएगा ज़्यादातर। और अटेम्प्ट की बात करो, सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो मेजोरिटी अगर आपको 300 प्लस स्कोर करना है तो आपका एटलीस्ट 100 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपका एटलीस्ट 100 प्लस अटेम्प्ट हो तो आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैंने 105 अटेम्प्ट किया था और मेरा 325 स्कोर हुआ था और 7th रैंक ऑल इंडिया में आई थी और कैटेगरी में 5 रैंक था मेरा। सभी का अलग अलग डिपेंड है, कोई 105 तक कर लेता है, कोई 110 तक कर लेता है, वो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर है। अगर ज़्यादा अटेम्प्ट किया और एक्यूरेसी आपकी नहीं हुई तो नेगेटिव चला जाएगा। अगर नेगेटिव भी आपको ध्यान में रख के करना है अटेम्प्ट। अगर आप 300 प्लस चाहते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 100 प्लस आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। 100 से नीचे करोगे तो 300 प्लस जाना मुश्किल है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है तो आपका हो सकता है। अगर मैंने ये सभी चीज़ें आपको बता दी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी के लिए कौन सी बुक्स
प्रिपेयर करनी है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करता रहूँगा। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और लास्ट 3 महीने आपको बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि हमने 2 साल जो पढ़ाया वो सभी लास्ट 3 महीने का रिवीजन पर ही डिपेंड करता है कि हमारा पेपर पेपर पे हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। इसीलिए जो लास्ट 3 मंथ है उसमें आप बिल्कुल भी लाइटली मत ले, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, पूरा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेज विथ यू। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट में ज़रूर लिख दें। थैंक यू वेरी मच।